नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहाँ पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के वीडियो में हम यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दो एनालिसिस और दो न्यूज़ के बारे में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ जो कि आप ट्विटर पे मैं लेके आया हूँ, द हिंदू मुंबई के ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं, 3:04 पे अभी कुछ देर पहले ही न्यूज़ निकल के आ रही है 28 सितंबर को। बॉम्बे हाई कोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्लीज ऑफ यस बैंक फाउंडर राणा कपूर्स वाइफ एंड टू डॉटर्स इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट देम फाइल्ड बाय CBI। यानी कि जो CBI की तरफ से केस चल रहा था, अगर हम बात करें यस बैंक के प्रीवियस फाउंडर जो थे राणा कपूर के लिए, उसमें यहाँ पर उनकी वाइफ और दो जो लड़कियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर बेल के लिए अप्लाई करा था, जिसको यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस बेल के लिए अप्लाई करा जा रहा था और इसके रिगार्डिंग डिसीजन आ चुका है। और दूसरी न्यूज़ जिसके बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, उसका अगर हम बात करें तो उसका आप यूँ कह सकते हैं कि सीधा सीधा शेयर पे भी असर पड़ेगा। दूसरी जो हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पर डिश टीवी से रिलेटेड है। डिश टीवी के बारे में यहाँ पर, डिश टीवी इज़ गोयल बायस टाइम टू काउंटर बिड बाय यस बैंक टू आउस्ट हिम। यानी कि यस बैंक की जो लगातार यहाँ पर एक अगर हम बात करें, जो उन्होंने प्रपोजल किया था यहाँ पर, जो नोटिस भेजा था और यहाँ पर जो उनका मेंबर और बोर्ड चेंज करने वाले थे, उसके रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा टाइम इनको मिल गया है अगर हम बात करें डिश टीवी के ओनर को। क्योंकि जो AGM मीटिंग मंडे को होने वाली थी, उसमें यहाँ पर शेयर होल्डर को वोट करने का चांस मिलता, जिसमें वो डिसीजन ले सकते थे कि वो यस बैंक के साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस AGM मीटिंग को 2 मंथ के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिश टीवी ऑन मंडे पोस्टपोन्ड द क्रूशियल एनुअल जनरल मीटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 बाय 2 मंथ्स, अ मूव दैट इज सीन एज जवाहर गोयल्स लास्ट डिश्ड एफर्ट टू कीप कंट्रोल ऑफ द कंपनी ही फाउंडेड इन 2004 अलॉन्ग विद हिज ब्रदर सुभाष चंद्रा। यानी कि 2004 में डिश टीवी फाउंड हुई थी सुभाष चंद्रा के साथ, यहाँ पर बनाई गई थी, जवाहर गोयल्स ने बनाई थी। और इसके जो AGM होना था मंडे को, इसको लगभग 2 मंथ के लिए टाल दिया गया। और यस बैंक इस चीज़ पे अभी के लिए फ़िलहाल चुप है, अभी तक इनकी तरफ से कोई कार्रवाई या कोई भी स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ किया गया। एट मंडेज AGM शेयर होल्डर वर टू वोट ऑन अ प्रपोजल बाय यस बैंक विच होल्ड 25% इन डिश टीवी। यानी कि यस बैंक का अगर हम बात करें तो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो कि मैं लगातार बताते आ रहा हूँ, 25% की स्टेक है। टू आउच द बोर्ड इंक्लूडिंग गोयल, यानी कि पूरे बोर्ड को हटाने की बात कही गई थी, जिसमें गोयल को भी हटाने की बात कही गई थी। इन अ स्टेटमेंट टू स्टॉक एक्सचेंजेस डिश टीवी सेट द बोर्ड विल डिसाइड ऑन द न्यू AGM डेट, यस बैंक डिड नॉट कमेंट। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को जो स्टेटमेंट भेजा गया उसमें अभी डेट नहीं बताई गई, बट लगभग 2 मंथ के लिए पोस्टपोन करी गई है। और ये बोला गया है कि जो डेट है न्यू डेट वो डिसाइड करके जल्दी रिलीज़ करी जाएगी, बट यस बैंक ने अभी इस पर कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं अपनी रिप्लाई किया। श्री राम सुब्रमण्यन MD इन गवर्नर रिसर्च सर्विसेज अ कॉरपोरेट गवर्नेंस एडवाइजरी सेट डिश टीवी इज ओनली पुटिंग ऑफ द इनएविटेबल, इट लुक्स लाइक यस बैंक प्रपोजल विल गेट पास बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ही सेट। यानी कि यहाँ पर जो रिसर्च सर्विसेज हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि यस बैंक के पास क्योंकि मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग है और यस बैंक ने जो चीज़ें दावा करी है इसमें ज़्यादातर शेयर होल्डर यस बैंक का साथ देंगे और कहीं ना कहीं उनके प्रपोजल पास होने के चांसेस हैं, और ये जो चीज़ टालने की कोशिश कर रहे हैं उसके चांसेस बहुत कम। बट एक रास्ता यहाँ पर हो सकता है, अगर इन्होंने किसी के साथ मर्जर कर लिया, जैसा कि प्रीवियसली भी देखा गया था, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सजेस्ट दैट गोयल कैन टेक लीगल रिसोर्स और फाइंड अ स्ट्रेटजिक पार्टनर जस्ट लाइक हिज ब्रदर सुभाष चंद्र डिड। गोयल कुड लुक एट द मर्जर विद द DTH प्लेयर इंक्लूडिंग एयरटेल और टाटा स्काई, सेड एन इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव। यानी कि यहाँ पर एयरटेल और टाटा स्काई के साथ ये मर्जर देखने को भी मिल सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि अभी इस चीज़ को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई यहाँ पर बात नहीं कही गई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मर्जर देखने को मिले, वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।